पेट की बीमारी रहती है उनको भी ज्यादा अपन जिम में जाते हैं तो जिम इसके लिए है क्या ऐसा अपन सोचते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसे हट करके, जिम के द्वारा अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। भगवान ने हमको अंतरहीन अनंत शक्ति दी रखी दे रखा है, वो कोई शक्ति है फलाने ढेकाने ऐसा कहीं प्रकट थोड़ी होगी। तो कहीं कहीं जिम में जा करके व्यायाम करने से, बार बार शरीर से रगड़ाई करने से, जब देखा होगा पावर जनरेट कैसा होता है, वो एक बांध बांध देते हैं पूरे बांध को, एक छोटी सी पानी धार गिराते हैं एक व्हील पर, और वो बार बार जब घूमता है तो उससे बिजली पैदा होती है। तो भगवान की अनंत शक्ति का स्रोत जो शरीर है उसको बार बार जब करेंगे तो परमेश्वर तक पहुंचने में जो शक्ति अपने चाहिए वो अपने को मिलती है। तो जिम का ये हेतु है, ये अपने को रिक्त सारा है, शक्ति है, ऊर्जा है, विवेक की भावना है, मैं जो करना है वो करके बताऊंगा, इस प्रकार की शक्ति का भी प्रकटीकरण अपने को इस प्रकार के जिम में ऐसे कार्यक्रम में आते हैं। ये किसके लिए कर रहा, आप भी अपने लिए करता है। तो मैं संघ का प्रांत संघ लागू मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये देश ले करता था। लेकिन 2009 में हमारे यहाँ से मिस्टर इंडिया 2009 मिस्टर सोलोमन ने प्राइज जीता, फॉर विच ही डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाए, और मेरा अनुरोध सोलोमन साहब से है कि सर जी आप दो शब्द कि बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करें ताकि दे यू नो टेक अप दैट प्रोफेशन एज बॉडी बिल्डर्स। हेलो, सर्वप्रथम मंच में उपस्थित अति विशिष्ट नागरिकगण और मेरे प्यारे दोस्त रुस्तम शारंग इंटरनेशनल वेट लिफ्टर और अंतर्राष्ट्रीय कोच राजेश पटेल जी, समस्त मंच में उपस्थित और ऑडियंस दे सबको धन्यवाद देता हूँ। क्या है बॉडी बिल्डिंग, सब लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग करके जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग उसमें से कोई एक ही कर पाता है या दो कर पाते हैं। क्या स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ हो जाता है, फिटनेस एक अलग होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आदमी को सबको अपने को गेम छोड़ के फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। खेल तो निकलेगा ही, और जो बच्चा खेलना चाहता है उसको खेल के थैंक्स लॉट। और श्वेता पड्डा जी के लिए, श्वेता पड्डा जी के लिए एक स्मृति चिन्ह सुन लो। थैंक्स लॉट मैन, थैंक यू।